हार्दिक पांड्या ने पोलार्ड का संन्यास तुड़वाया, फिर एमआई की प्लेइंग 11 में नाम दर्ज करवाया। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी, और अगर आप भी हैं मुंबई इंडियंस और पोलार्ड के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें अगर इस रिपोर्ट की, दरअसल जहां आपको यूं कहें कि भैया अब आईपीएल 2024 शुरू होने में लगभग एक महीने से भी कम समय बचा है और यहां पे अब आईपीएल नजदीक आ गया है। इसके साथ साथ यहां पे अब की बार यूं कहें कि जहां पे मुंबई इंडियंस की टीम में अब की बार कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जहां हार्दिक पांड्या की मुंबई में वापसी हुई, इसके साथ ही साथ कप्तान भी चेंज हुआ। लेकिन मुंबई इंडियंस की बैटिंग कोच केरन पोलार्ड अपने सोशल मीडिया पर यूं कहें कि अब यहां पे एक बड़ी खबर आ रही है सोशल मीडिया से कि अब केरन पोलार्ड यहां पे भैया वो यहां पे कोच नहीं बल्कि अब मुंबई की प्लेइंग 11 में शामिल हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां, दरअसल हार्दिक पांड्या अब यहां पे मुंबई के नए कप्तान बन चुके हैं, और ऐसे में कप्तान का ये कहना है कि अब यहां पे केरन पोलार्ड अगर हमारी मुंबई इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, ना कि वो कोचिंग करके अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं, तो यहां पे मुंबई की टीम के लिए काफी फायदा होगा, क्योंकि केरन पोलार्ड एक शानदार बेहतरीन खिलाड़ी है, ये आप सबको पता है, और इसी वजह से वो पहले भी यहां पे मुंबई के साथ खेल चुके हैं। और अब यहां पे देखा जाए तो केरन पोलार्ड क्रिप्टिक मैसेज की बात करें तो यहां पे वो इसी तरह का कहना है कि अब यहां पे केरन पोलार्ड खेलते हुए दिखने वाले हैं, और अगर ऐसा होता है तो मुंबई इंडियंस की टीम को काफी फायदा मिलते हुए नजर आएगा। तो आपकी राय इस बारे में, आपको क्या लगता है कि केरन पोलार्ड को यहां मुंबई की टीम में खेलना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।